500 साल के लंबे संघर्ष के बाद अब राम लला दिव्य और भव्य मंदिर में पधार रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 22 जनवरी हमारे देश, हमारी संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पूरे विधि विधान से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा दिव्य और भव्य मंदिर में करेंगे। लेकिन राम तो हर जगह है, सृष्टि के कण कण में विराजमान है, हर एक मंदिर भगवान का ही मंदिर है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हर मंदिर स्वच्छ होना चाहिए, हम सब मंदिरों की सफाई इस अवसर पर करें। और हम देख रहे हैं कि लाखों लोग आज मंदिर की परिसर को स्वच्छ करने के लिए मंदिर में स्वच्छता और सफाई के काम में लगे हुए हैं। भगवान के मंदिर स्वच्छ होना चाहिए, ये जवाबदारी हम सब लोगों की है। हम भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन कई जगह मंदिर और मंदिर के परिसर इतने स्वच्छ नहीं होते। जहाँ स्वच्छता होती है वहीं तो भगवान होते हैं, इसलिए स्वच्छता का अभियान चल रहा है। और हम लोग धन्य हैं जो इस अभियान में भाग ले पाए। राम हमारे रोम रोम में रमे, हर एक सांस में बसे हैं, और हम सब इंतजार कर रहे हैं 22 जनवरी का, जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अभी इस पे मैं ओरछा जाऊंगा, अयोध्या में उस दिन बहुत VIP रहेंगे, और इसलिए हर एक का वहां जाना संभव नहीं है, लेकिन बाद में अयोध्या जरूर जाएंगे। उनसे मेरी प्रार्थना है कि भगवान राम सबके हैं, और इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मेरे अपील है, राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठ के सिया राम में सब जग जानी, काय के लिए हमको ऐसी बात कहें, इसमें तो सभी को भाग लेना चाहिए। मैं अपील करता हूं कांग्रेस और अन्य दलों के मित्रों से, जो अयोध्या नहीं जा रहे हैं निमंत्रण के बावजूद भी, मेरा आग्रह है कि वो जरूर पधारें। यह हम सबका परम सौभाग्य है कि भगवान राम स्वयं विराजित होने वाले हैं। सर, आपकी क्या भूमिका रहेगी सर केंद्रीय राजनीति में? सर, आपने अपने कार्यकाल में कहा था और अब पूरा होने जा रहा है, सर कितना खुशी हो रही है? नहीं, हमारा तो रोम रोम पुलकित है। राम पथ गमन को लेकर सर, जो आपने चित्रपट, हम सब सौभाग्यशाली हैं, पहले भी राम पथ वन गमन पर काम प्रारंभ हुआ, वो काम अब लगातार